परमेश्वर महान है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, तैयार हैं आप लोग? हालेलुया। लूका का पहला 18:19-20, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, इसलिए मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुझसे बातें करूं और तुझे ये संदेश सुसंदेश सुनाऊं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होंगी। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन सिद्ध है और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन पूरा होता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है, जो कहता है वो होता है। हालेलुया, इसलिए जब हम सुनते हैं, तो जब हम उस वचन को सुने, तो हम विश्वास करें कि ये मेरे जीवन में पूरा होने वाला है। जब हम विश्वास करेंगे तो आशीष पाएंगे, जब हम विश्वास करेंगे तो वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बहन, वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। चाहे आप कितने सालों तक कलीसिया आते रहें, चाहे आप कितने सालों से विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका वचन, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपने लिया है, ग्रहण किया है और विश्वास किया है उस प्रॉमिस पर, तो विश्वास करिए कि वो वचन पूरा होगा। यहां पर क्या हुआ? जिब्राइल, जकरिया कौन था? एक याजक था, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। याजक का काम क्या होता है? कि दूसरों की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाना। हालेलुया, यानी कि उसका विश्वास उस भाई से, उस बहन से कहीं ज्यादा होता है जो प्रार्थना लेकर आता है, क्योंकि वो जो याजक है वो उस प्रार्थना को परमेश्वर के चरणों में रखता है। हालेलुया, कितने भाई बहन उसके पास आते होंगे, कितने भाई आते होंगे, कहते होंगे, जकरिया हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चा हो, जकरिया हमारी प्रार्थना है कि हमारे हमें नौकरी लगे, हमारी प्रार्थना है कि हमें सुख मिले, हमारी शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जकरिया उनसे बोलता होगा कि नहीं, मेरा पिता परमेश्वर महान है। हालेलुया, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखूंगा और वो प्रार्थनाएं तुम्हारी पूरी होंगी। हालेलुया, याजक। लेकिन अगर याजक का ही विश्वास टूट जाए, अगर याजक ही संदेह में आ जाए तो क्या होगा? यहां पर क्या हुआ? जिब्राइल दूत उसके पास आया और जिब्राइल ने कहा, जकरिया तू बाप बनेगा, तुझे एक औलाद पैदा होगी, वो औलाद जो परमेश्वर की सुनहरी वाचा को प्रकट करेगी, वो औलाद जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, वो औलाद जो यीशु मसीह को दुनिया के सामने लेकर आएगी। हालेलुया, वो औलाद मैं तुझे देने वाला हूं, वो आशीष मैं तुझे देने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे बड़ी क्या बात होती है कि हम परमेश्वर की योजना में काम आए? इससे बड़ी क्या बात होती है कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ? जकरिया संदेह में आ गया, उसने कहा, अरे ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, एलीशिबा बूढ़ी हो गई है, वो कैसे मां बनेगी? हालेलुया, वो याजक था, वो भूल गया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो 99-90 साल की हमारे सारा को मां बना सकता है, हालेलुया, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? योजना के साथ साथ, प्रॉमिस के साथ साथ, परमेश्वर की वाचा इस दुनिया में आने वाली थी। परमेश्वर का प्रॉमिस, देखिए, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है वो पूरा होगा। अगर आप उस प्रॉमिस को अपना बना लेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को, परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रॉमिस को अपना बना लेंगे, वो प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, होगा। हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये किसने कहा? इब्रानियों 13:5 में किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा।
चाहे कैसा भी संकट आए, चाहे कैसी भी घड़ी आए, चाहे कैसा दुनिया आपसे बर्ताव करे, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, चाहे आपकी नौकरी छूटे, चाहे आपका धंधा ना चले, लेकिन परमेश्वर का वचन है, उसका प्रॉमिस है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर उस प्रॉमिस को आप अपना बना लेंगे, हालेलुया, जिस पल आप उस प्रॉमिस को अपना बनाएंगे, जिस पल आप महसूस करेंगे कि वो प्रभु ने मेरे लिए कहा है, जिस प्रॉमिस आपको एहसास होगा कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तो आपको अपनी मुसीबतें, अपनी दुविधाएं, अपने दुख आपको दूर लगेंगे और प्रभु आपके नजदीक रहेगा, क्योंकि आपने उसे अपना लिया है, आपने अपना लिया है। जब आप अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि यीशु आपके साथ है, जब आप उसे अपना लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यीशु ने आपको पकड़ रखा है, अपने पंखों के तले छुपा रखा है। हालेलुया, कोई मुसीबत, कोई भी दुख आपका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टल सकता है। इसलिए जब आप प्रॉमिस को लेते हैं, जब आप प्रॉमिस को अपना बनाते हैं, जब परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को आप अपना बना लेते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। ये याजक था जकरिया, परमेश्वर को जानता था और बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड, निरंतर प्रार्थना करता था, लेकिन संदेह था। जब चीज पूरी होने वाली थी तो संदेह था। बहन, हमें अपने संदेह अपने अंदर से निकालना है, हमें अपने अविश्वास को निकालना है। जब भी आपका अविश्वास, शैतान आपके मन में अविश्वास डाले, तो उससे बोलिए, शैतान, मेरे प्रभु ने कहा है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे यीशु ने कहा है कि वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया है। हालेलुया, इसलिए मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए शैतान, तेरा कोई काम नहीं है, ऐ मुसीबत तेरा कोई काम नहीं है, ऐ बीमारी तेरा कोई काम नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, जिंदा है मेरा यीशु, मरा नहीं है, उसकी कब्र खाली है, और उसके मुख से निकला हुआ हर वचन जीवित है। इसलिए मेरी बहन, जब हम विश्वास करते हैं तो आशीष पाते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम आशीष नहीं पाते। मरियम के साथ क्या हुआ था? मरियम के पास जिब्राइल दूत आया और उसने कहा कि मरियम, तू मां बनेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आच्छादित होगा, तू परमेश्वर के पुत्र को जनेगी। उस समय से पहले कोई कुमारी मां नहीं बनी थी, मरियम के सामने कोई उदाहरण नहीं था, मरियम के सामने कुछ नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मरियम ने उस प्रॉमिस को, उस वचन को स्वीकार कर लिया। उसने क्या कहा? हे जिब्राइल, हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मैं तेरी दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रेज द लॉर्ड, उसने जमाने को नहीं देखा, उसने जमाने के रीति रिवाजों को नहीं देखा, उसने नहीं सोचा कि मेरा मंगेतर जोसेफ क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। हालेलुया, उसने उस प्रॉमिस को अपना लिया कि अब यह वचन मेरा है। क्या कहा उसने? पढ़िए आप लूका पहला 35, एक का 35, लूका पहला 1:35, कि मैं तेरी दासी हूं। प्रेज द लॉर्ड, आप लोग जानिए आप हैं कौन, हम कौन है प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड, उसने हमें पुत्री कहा है, पुत्र कहा है, हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड, 38 निकालो, 38 है ना, पढ़ो 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे जो भी मेरे साथ हो वो तेरे वचन के अनुसार हो, जो तूने कहा है वो घटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो घटे जो मेरे प्रभु ने कहा है, वो घटे जो तूने कहा है। प्लीज, तो मैं कौन हूं? तेरी दासी हूं। उसने क्या किया? उस प्रॉमिस को, उस वचन को अपना लिया। और इसी का 48 क्या कहता है? लुका 1:48 क्या कहता है? देखिए, जब उसने अपनाया, जब उसने उस प्रॉमिस को अपना बना लिया कि ये मेरा वचन मेरा है,
ये मेरे संग घटित होगा, मैं माँ बनूंगी और एक उद्धारकर्ता को जन्म दूंगी। हालेलुया। जिस दिन आप मेरे भाई परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को स्वीकार कर लेंगे, अपना लेंगे, आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। आप भविष्य देखने लग जाएंगे, आपकी बुद्धि परमेश्वर खोल देगा, आपकी समझ परमेश्वर खोल देगा। क्या हुआ था मरियम के पास? क्या था मरियम? एक साधारण औरत थी, लेकिन जैसे ही उसने उस प्रॉमिस को स्वीकार किया, जैसे ही उसने प्रॉमिस को अपना बना लिया, 1:48 क्या कहता है? क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने अपनी दासी, मुझ जैसी दासी पर कृपा की है, दीनता पर कृपा की है, इसलिए देखो आपसे सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमेन। जिस दिन परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार कर लेंगे ना मेरी बहन, जिस दिन परमेश्वर के सामर्थ को, जिस दिन परमेश्वर के प्रॉमिस को आप स्वीकार कर लेंगे, आप भविष्य देखेंगे, आप जान जाएंगे क्या होने वाला है। वो क्या कहती है? पुत्र को जन्म नहीं दिया उसने, उद्धारकर्ता को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो ऐलान करती है कि आने वाला युग मुझे धन्य कहेगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मेरी कोख में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रॉमिस को स्वीकार कर लिया था, उस प्रॉमिस का अपना बना लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। क्या कहता है भजन संहिता 23 का पहला, कि मेरा चरवाहा मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। जिस दिन आप इस वचन को स्वीकार कर लेंगे, मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मेरा पिता मेरा सर्वस्व है, मेरा पिता मेरा निगहबान है, मेरा पिता मेरा रक्षक है, मेरा पिता मेरा दोस्त है, मेरा पिता मेरा, हालेलुया, उद्धार करता है, और मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, मैं विश्वास करता हूँ। जिस दिन इस वचन को अपना बना लेंगे, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। क्योंकि कौन कह रहा है ये कि मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी? ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। इसलिए इस वचन को हमें अंगीकार करना है, मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मेरा यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी। चाहे मैं बिजनेस करूं, चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। लेकिन कब? जब आप उसके इस प्रॉमिस को अपना लेंगे। हमें अपनाना है, हमें प्रभु को अपनाना है। यीशु ने हमें अपनाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमें अपनाया और अपनी जान दे दी, विश्वास किया। पहले प्यार किसने किया? हमने की यीशु ने? प्रेज द लॉर्ड। पहले प्यार किसने किया? जोर से बोलिए, हमने की यीशु ने? हालेलुया। क्योंकि यीशु पूरी तरीके से हमें बदलना चाहता था, यीशु पूरी तरीके से हम में रहना चाहता था, पूरी तरीके से हमें शुद्ध करना चाहता था। प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी तरीके से नहीं अपनाते यीशु को, हम पूरी तरीके से उसके वचन को, उसके प्रॉमिस को अपनाते नहीं। हम सोचते किसी और के लिए कहा है ये वचन, किसी और के लिए है। नहीं मेरी बहन, विश्वास करिए, यीशु जिसने आपको शुद्ध किया है, यीशु जिसने आपको चुना है, उसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है, आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसकी हथेलियों को देखेंगे स्वर्ग में जाकर, तो आपको अपना नाम दिखेगा। हालेलुया। यही प्रमाण होगा आपके चुनने का, यही प्रमाण होगा। जो कोई भी उसकी हथेली को देखेगा, उस हथेली में उसे अपना नाम दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु आपको जांचने वाला है, आपको प्यार करने वाला है। ऐसे ही उसने अपनी जान नहीं दे दी, ऐसे ही उसने अपना बलिदान नहीं दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मरियम ने उस प्रॉमिस को अपना लिया कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। कभी हमने कहा ऐसा? कभी हमने प्रार्थना की ऐसी है कि हे पिता परमेश्वर, तेरे अनुसार मेरे जीवन में घटे, मेरी इच्छा पूरी ना हो, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो चाहती हूँ वो ना घटे, जो तू चाहता है वो घटे। इसीलिए वो कहती है कि आने वाला युग मुझे धन्य कहेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। क्योंकि मैं उसके प्यार को जान गई हूं, उसकी अनुग्रह को जान गई हूं, उसकी कृपा को जान गई हूं, उसकी दया को जान गई हूं। हालेलुया। इसलिए वो कहती है कि मुझ जैसी दासी की दीनहीन दशा पर उसने कृपा की है।
मैं दीन था, मैं पापी था, मुझमें कोई ऐसा योग्य गुण नहीं था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने कृपा की और मुझे परमेश्वर के वचन बोलने के योग्य बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, धन्य है वो कि मैं परमेश्वर के योग्य बनी। प्रेज द लॉर्ड, धन्य है कि उसने मुझे चुना। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस वचन को हमें अपना बनाना है, हमें स्वीकार करना है। यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर रहा हूं और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। क्या है हमारे पास, कौन सा प्रॉमिस है हमारे पास? आशा। क्या है हमारे पास? हेलो, मुझसे बात करिए, क्या है मेरे पास? प्रेज द लॉर्ड। वो कौन सी आशा है? कि यीशु आएगा और हमें लेकर जाएगा। हमें अपने उद्धार को संभाल के रखना है कि मेरा उद्धार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो कीमती चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो जीवन जो मुझे मिला है, वो अनमोल है। उस जीवन को, उस उद्धार को यीशु के आने तक मुझे संभालना है, क्योंकि उसकी वादा है, उसका प्रॉमिस है, वो आएगा, बादलों पे सवार होकर आएगा और मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब मेरे भाई मेरी बहन, अगर ये आशा, ये प्रॉमिस आपने थामा हुआ है ना मेरे भाई, तो आपका आनंद आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई बीमारी आपका आनंद नहीं छीन सकती कि आपको लेने आने वाला है। वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने किया है, वो आपके संग जुड़ा हुआ है। कोई भी मुसीबत आए, आप निराश नहीं होंगे, आप धन्यवाद कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी मुसीबत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई सताव, कोई चिंता, कोई गहराई, मृत्यु ना जीवन, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो यीशु मसीह में है। हमें सिर्फ उस प्रॉमिस को थाम के रखना है और उसका इंतजार करना है। प्रभु का आनंद हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। एक बेटा जब सुबह जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आज मुझे पुलाव खाना है और मुझे लस्सी पीनी है, मम्मी मैं दोपहर को आऊंगा, मुझे पुलाव चाहिए और मुझे लस्सी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मम्मी से कहने के बाद क्या वो प्रार्थना करता है कि प्रभु दया करिए, मेरी मम्मी को बुद्धि दीजिए कि आज वो पुलाव बनाए, आज वो मेरे लिए लस्सी बनाए? प्रार्थना करनी पड़ती है क्या? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि माँ का प्रॉमिस, माँ की जो अधिकार है, माँ का जो रिश्ता है, वो मेरे संग बना हुआ है। उसने उस प्रॉमिस को ले लिया है अपने अंदर कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी जो चीजों को पूरा करेगा। उसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपको दे चुका है। हेलो, मती 7:7 का 7 क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो वचनों के पर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। मती 7:7 का 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मरकुस 11:24, मरकुस 11:24 निकालिए, उसमें लिखा हुआ है कि प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ध्यान दीजिए क्यों उसने कहा है। मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो क्या कह रहा है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आप धन्यवाद दें प्रार्थना करने से पहले, और विश्वास करें कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा। क्यों? क्यों प्रभु ने कहा है? क्यों प्रभु ने कहा है? क्यों यह वचन कहा है? क्योंकि जो आप मांगने वाले हैं वो परमेश्वर आपको पहले ही दे चुका है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको दे चुका है, वो आपको दे चुका है। हालेलुया। भजन संहिता 51:14 कहता है कि मैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। ये उसका वादा है कि मैं अपने चाहने वालों को, अपने विश्वास करने वालों को, अपने प्रेम करने वालों को ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये इसका प्रॉमिस है। अगर आप उस प्रॉमिस को अपना लेंगे, आज आपकी प्रार्थना क्या होती है कि परमेश्वर मेरे बच्चे को अच्छी जगह दो, अच्छी सर्विस दो,
घर में सुख हो, आशीष हो, शांति हो, बरकत हो, यही प्रार्थना है आपकी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रॉमिस क्या कहता है, कि वो आपको ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब मांगने से पहले वो आपको दे चुका है, आपको सिर्फ उस प्रॉमिस को अपना बनाना है। जिस दिन आप उस प्रॉमिस को अपना बना के रखेंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता है जो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो कहता है प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद करो, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और मैंने, क्योंकि भजन संहिता 139 का 4 क्या कहता है, कि तेरे मुख पे आने से पहले मैं जानता हूं कि तू क्या मांगने वाला है। तेरी जबान पर आने से पहले मैं जानता हूं कि तू क्या मांगने वाला है, क्योंकि आपको रचने वाला कौन है? प्रभु। आपके मन को रचने वाला कौन है? पिता। वो जानता है कि आप क्या मांगने वाले हैं, इसलिए आपको जो चाहिए उसने आपके मांगने से पहले आपको दे दिया है। पूरी सृष्टि में आपको पूरी तरीके से आपको अधिकारी बना दिया है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है। इसलिए मांगने से पहले तू धन्यवाद बोल। क्यों? क्योंकि जो तू मांगने वाला है वो मैंने दे दिया है। तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर। हालेलुया। मत्ती 6:31, मेरे राज्य की खोज कर। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रॉमिस करता है, उसका वादा है कि तू क्या खाएगा, तू कहां रहेगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं तेरी चिंता करने बाद। हालेलुया। तुझे क्या करना है, उसके राज्य की खोज करनी है। आपको उस प्रॉमिस को अपना बनाना है, उस प्रॉमिस को अपना बनाना है और उसके अनुसार चलना है। आपको क्या खाना है वो उसकी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। आपके घर में क्या रोटी, आप वो नहीं, आपको नहीं सोचना है। आपको तो सिर्फ उस प्रॉमिस को, उस वादे को अपना बनाना है। ये वादा मेरा है, ये मेरे लिए कहा है यीशु ने। तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, ये यीशु ने कहा है। हालेलुया। इब्रानियों 6:14 क्या लिखता है, कि निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय ही मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वादा है और वो कहता है मैं अपनी कसम खाता हूं कि निश्चय मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस वादे को अपना बनाना है कि मेरा यीशु मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरा यीशु मेरी औलाद को संपन्न करेगा, मेरा यीशु मुझे आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वादे को, इस प्रॉमिस को आपको अपना बनाना है। लोग कहते हैं कि हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। सही है। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हमने मांगा परमेश्वर से लेकिन मिला नहीं, और बाइबल कहती है, वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन सही है, वचन तो गलत नहीं है, तो हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने मांगने के मुताबिक कार्य नहीं किया। हालेलुया। ये सवाल मेरी पत्नी ने किया था। प्रेज द लॉर्ड। अब अगर आप अपने बेटे के लिए चाहती हैं कि मेरा बेटा सुबह उठ के 5 बजे प्रार्थना करे, आप चाहती हैं परमेश्वर मेरा बच्चा सुबह उठ के प्रार्थना करे, मेरा बच्चा प्रभु में रहे, मेरा बच्चा बाइबल पढ़े, प्रेज द लॉर्ड, और आप प्रार्थना करके खुद सोती रहेंगी तो कैसे होगा? हालेलुया। आपको, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची उठे, आपका बच्चा उठे 5 बजे, तो आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको 4:30, और आपको उठाना नहीं पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4th दिन आपका बच्चा खुद उठेगा, खुद उठेगा। हम प्रार्थना, जो हम प्रार्थना करते हैं उसके मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा पति धार्मिक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने धार्मिकता का वातावरण घर में रखा है? प्रेज द लॉर्ड। आप धर्मी हैं? कुछ भी मांगने से पहले, हमें हर चीज परमेश्वर दे सकता है मेरी बहन, लेकिन हमें उस मांगने के अनुसार चलना है।
उस प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। जब हम प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, निश्चय आपकी प्रार्थना पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना आपके जरिए ही पूरी करना चाहता है, वो चाहता है उसमें आपका साथ हो। इसलिए वो कहता है मांगो, इसलिए वो कहता है मांगो, यानी कि तुम्हें मांगने की बुद्धि देता है वो, और उस मांगने की शक्ति देता है। मांगने की कीमत को समझो, मांगने की कीमत को समझो। वो आपको सब कुछ दे सकता है, वो आपको सब कुछ दे सकता है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, लेकिन वो आपसे कहता है मांगो। उसे पता नहीं आपको क्या जरूरत है, पता है, लेकिन फिर क्यों कहता है कि मांगो? क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप उसे कितना चाहते हैं, आप उसे कितना जानती हैं, आप उसे अपना पिता मानती हैं, आप पूरा विश्वास करती हैं। यिर्मयाह 33:3, वो कहता है प्रार्थना करो, मेरे सामने आकर प्रार्थना करो, और मैं तुझे वो गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता है। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तेरी सुनकर और तुझे कठिन बातें बताऊंगा। कौन सी कठिन बातें? जो आपके लिए कठिन है, वो कठिन बातें आपके लिए कठिन है, उसके लिए कठिन नहीं है, उसने तो सृष्टि बनाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके लिए कठिन हो सकती हैं, उसके लिए कठिन नहीं हो सकती हैं। इसलिए वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर? ताकि जब तू प्रार्थना करेगा तो मेरे करीब आएगा, तब जब तू मुझसे संबंध रखेगा, तब जब तू मुझ में होगा और तू चाहेगा कि मैं तुझ में आ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आप पति पत्नी जब पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो पति का मन पत्नी जानती है और पत्नी का मन पति जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी तो जान पाएंगे आप, जब आप पूरी तरीके से उसमें समाएंगे और वो आपको वो गूढ़ बातें बताएगा जो आपको नहीं पता, वो कठिन बातें बताएगा जो आपको नहीं पता, क्योंकि आप उसके मन को नहीं जानते हैं। इसाक, उत्पत्ति 26:1-3 के बीच में, आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है। जिस दिन आप परमेश्वर के मन को जान लेंगे, जिस दिन आप उसके वचन को अपना बना लेंगे, आप परमेश्वर के करीब आएंगे। इसाक, जो कि इब्राहिम का बेटा था, जिसको परमेश्वर ने बचाया था, बाप मारने वाला था, वो गरार देश में रहता था। अकाल आया, बहुत बड़ा अकाल आया, त्राही त्राही मच गई, खाने को नहीं था, अन्न नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर जगह तबाही तबाही तबाही। सब लोग गरार छोड़कर मिस्र देश को जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने इसाक से क्या कहा? तू मिस्र मत जाना। सुनिए क्या कहते हैं, दो ना, हाँ, उत्पत्ति 26:1-3, उस देश में अकाल पड़ा, हाँ, या उस पहले अकाल से अलग था, हाँ, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, यस, इसलिए इसाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताओ उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आमीन। उसने कहा गरार देश मत छोड़, मिस्र मत जा, कहां रहे? गरार में। क्या है यहां पर? अकाल। सारा गरार देश छोड़ के जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं मिस्र देश में अपनी जान बचाने के लिए। रोटी नहीं है यहां पर, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, गाय बैल मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मत जा, क्योंकि मैंने शपथ खाई है कि तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या था ये इसहाक के लिए? प्रॉमिस। क्या था ये? वादा। उस इसहाक ने उस वादे को लिया। यस, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि मैं मेरे वंश को बढ़ाएगा। परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि जो मेरे पिता से उसने सौगंध खाई थी वो पूरी करेगा। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है वो आशीष देगा। उस असंभव चीज को जिस दिन आप अपना लेंगे वो आपके जीवन में संभव हो जाएगी। इसी का बारवां पढ़िए, इसी का बारवां। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक, एक मिनट मेरी बहन, फिर इसहाक ने उसी देश में जहां अकाल चल रहा था, जहां सब लोग चले गए थे, उस बंजर भूमि में, उस पथरीली भूमि में जहां पानी नहीं था, कुछ नहीं था, उसने बोया। क्यों बोया? क्योंकि परमेश्वर का वादा उसके साथ था। उसके वादे की शक्ति उसके पास थी कि मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे आशीष दूंगा। उस वादे को थाम के रखा उसने। और क्या कहता है कि जोता और उसी वर्ष 100 गुना फल लेकर आया। हेलो, कितना लेकर आया सर? 100 गुना फल। और वहां का जो राजा था अभिमलेख, उससे ज्यादा धनवान हो गया वो। कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि उसने प्रॉमिस को अपना लिया। मेरे प्रभु ने कहा है, हम छोटी सी दुख आते हैं, हमारे जीवन में छोटी सी तकलीफें आती हैं, हम बहक जाते हैं, हम उस प्रॉमिस को भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, वो कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव। यहां क्या था? असंभव था। वो बंजर भूमि जो सूख गई थी, पानी नहीं था, लेकिन इसहाक ने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, वो हल जोत रहा होगा और उसके रिश्तेदार जा रहे होंगे, दोस्त जा रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, अरे पागल तुझे क्या हो गया है, हल जोत रहा है, तेरी बुद्धि नहीं है, ये बंजर भूमि है, इसमें कुछ नहीं उगेगा, क्या कर रहा है, तेरी बीवी है, हल जोत रहा है, हल जोत रहा है। क्योंकि उसने उस प्रॉमिस को अपना लिया था। वो दुनिया को नहीं देख रहा था, वो यीशु के मुख से निकले हुए प्रॉमिस को देख रहा था। वो परमेश्वर के मुख से निकले प्रॉमिस को, अपने प्रॉमिसेस को, प्रभु के निकले प्रॉमिसेस को देखना शुरू करिए। आप देखना शुरू करिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, उस प्रॉमिस को देखिए, आपको यीशु अपने साथ दिखेगा। वो मेरे साथ है, वो मेरे घर में है, मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। उसके मुख से निकला हुआ वचन है, ये मेरा है, ये मेरे जीवन में सार्थक होगा, ये मेरे जीवन में सिद्ध होगा, ये मेरे धंधे में सिद्ध होगा, कि मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने कहा है, उसके मुख से निकला हुआ शब्द है, उसके मुख से निकला हुआ शब्द, वो प्रॉमिस अपना बना लीजिए, उसको देखना शुरू करिए। मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा आपका जीवन। उसे देखिए, इसहाक ने देखा, इसहाक ने देखा उस वचन को, उस प्रॉमिस को। जब वो हल जाके हल जोतने के लिए निकलता था हर रोज, तो उसके पास क्या था? प्रॉमिस। कौन सी शक्ति थी? प्रॉमिस की शक्ति, कि मेरे संग परमेश्वर है। एक दिन भी शक्ति कम नहीं हुई उसकी, कमजोर नहीं पड़ा। हो सकता है पहले दिन हल ना चलाओ, 10 दिन तक हल ना चलाओ, कुछ भी नहीं आ रहा हो, पसीना आ रहा हो, पानी नहीं था उसके पास, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना हल ना चलाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे परमेश्वर का वादा है, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप अपने जीवन में परमेश्वर के वादे को लेकर चलेंगे ना, उस दिन आप एक सर्वशक्ति, उसका सामर्थ अपने अंदर महसूस करेंगे। उसका वादा है, उसने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। किसी आम इंसान ने नहीं कहा है, मेरे परमेश्वर ने कहा है, मेरे यीशु ने कहा है।
आपके यीशु ने कहा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके यीशु ने कहा है कि आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। नूहा को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि नूहा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है और नाव बना, इस पूरे संसार को जल प्रलय से मैं खत्म करने वाला हूं, नाव बना। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने तेरे परिवार को चुना है। क्या किया नूहा ने? क्या था उसके पास? नूहा के पास यीशु का, परमेश्वर का प्रॉमिस था। कितने साल? 120 साल। वो 120 साल तक उस प्रॉमिस को लिए चल रहा था। वही विश्वास जो नूहा के साथ पहले दिन था, वही विश्वास 120 साल तक उसके साथ था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। एक दिन भी उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। वो लोगों को बोल रहा था, दुनिया पूछ रही है, नूहा पागल हो गया है, तू नाव बना रहा है रेगिस्तान में, पानी कहां है? आएगा, दुनिया डूबेगी ही, मेरे परमेश्वर का वचन है, जान लो, समझो, पश्चाताप करो। 120 साल तक उस वचन को थामे हुए था, एक पल भी उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। मेरा प्रभु महान है, यीशु उसका नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गीत मुझे दिया था परमेश्वर ने, मेरा प्रभु महान है, यीशु उसका नाम है, मेरा प्रभु महान है, यीशु उसका नाम है, उसके नाम में शिफा है, धर्म वचनों में बसा है, परमेश्वर उसका पिता है, मेरा प्रभु महान है, यीशु उसका नाम है। आमेन। हालेलुया। अभी तक मुखड़ा ही बना है, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर और दे। हालेलुया, हो देगा। लेकिन प्रॉमिस, आप परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को कितनी कीमत देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके सुख, आपकी शांति का ये निर्णायक केंद्र है, ये निर्णायक बिंदु है कि आप यीशु के मुख से निकले हुए वचन को कितनी कीमत देते हैं, कितना समझते हैं कि यार परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। वो कीमत आपके काम में दिखेगा। जिस दिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाए, आप वचन के अनुसार जीने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके अड़ोसी पड़ोसी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब परमेश्वर का वचन आपके साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मांगने के पहले, मांगने के साथ साथ हमें उसके अनुसार काम करना है। पहला शमूएल 1:5, परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर दी थी। उसने मांगा कि परमेश्वर मुझे बच्चा चाहिए, मेरी कोख खोल और मैं अपने इस बच्चे को तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगी। हालेलुया, मैं तुझे दे दूंगी इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, क्या किया उसने? प्रार्थना की। मांगने के बाद क्या किया? उसकी प्रार्थना में, उस वचन पर, उस वाचा पर उसने अपना जीवन बिताया। सबसे पहले उसने क्या किया? अपने बेटे का नाम शमूएल रखा। क्या होगा मेरे बेटे का नाम? शमूएल। शमूएल का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से। यानी कि ये कहां से मिल रहा है मुझे? परमेश्वर की ओर से। यानी कि वो जो वाचा मेरे और परमेश्वर के बीच में है, वो सदा जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने बेटे के जन्म होने तक, उसके बाद तक वो उस वाचा में जीवित रही। अपने पति अलकाना के साथ उसने जीवन नहीं बिताया, उस वाचा में उसने जीवन बिताया। जो प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया। नहीं, मैंने परमेश्वर से मांगा है, मैंने प्रार्थना की है, मैंने वाचा बांधी है, मुझे एक ऐसा पुत्र होगा जिसको मैं परमेश्वर को दूंगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसके समर्पण के अनुसार
उसकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर का सामर्थ्य उसकी कोख में उतरा और उसे शमूएल पैदा हुआ। वो शमूएल जो बोलता था और परमेश्वर उसकी हर बात पूरी करता था। इज़राइल को बचाने वाला कौन था उस समय? शमूएल। क्योंकि जो हन्ना ने मांगा था उसके मुताबिक उसने अपना जीवन बिताया। हम उसके मुताबिक अपना जीवन नहीं बिताते हैं, हम मांगकर चुप हो जाते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर से और हम समझते हैं कि अब ये काम परमेश्वर का है, अब परमेश्वर पूरा करेगा, हम चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, परमेश्वर को बोल दिया अभी। नो, आपको उस वचन को लेकर चलना है, आपको उस वचन को साथ लेकर चलना है मेरी बहन। हालेलुया। शनूमी एक स्त्री थी, दूसरा किंग 4, दूसरा राजा 4:8-12 and 14:17 शनूमी एक स्त्री थी, उसे बच्चे की बच्चा नहीं था उसके पास। वो प्रार्थना करती थी परमेश्वर के मुझे बच्चा हो जाए। हालेलुया। एलिसा वहां से गुजरता था, वो रोज एलिसा को बुलाती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है, ये परमेश्वर का नबी है। वो जानती थी इसलिए उसे बुलाती थी और उसे खाना खिलाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मन में बच्चे की आस थी। उसने एक बार अपने पति से बोला कि क्यों ना हम इस एलिसा के लिए अपने घर में एक कमरा बनाएं। ये परमेश्वर का जन है, ये आता जाता है, थक जाता होगा, वो रूम में आकर सोएगा, लेटेगा, इसके लिए चारपाई बनाएं, एक लिखने के लिए मेज बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। पति ने कहा ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। उसने बनाया और एलिसा आया और एलिसा उस रूम में गया आराम करने के लिए। ये प्रार्थना परमेश्वर से करती थी, ये इसने एलिसा से नहीं कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसने अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाया, इसका विश्वास परमेश्वर के अनुरूप था, इसका समर्पण परमेश्वर के चरणों में था, इसलिए परमेश्वर के दास को यह मान और सम्मान देती थी। जब एलिसा वहां पर आया तो एलिसा ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। गेहजी ने कहा, जो कि उसका शिष्य था, गेहजी ने कहा कि गुरुजी इनके बच्चा नहीं है। हालेलुया। उसने क्या कहा? 14-17 पढ़िए, 14-17 कि अगले साल तेरा बच्चा होगा। हालेलुया। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। हाँ, 5वां। उसने कहा उसको बुला ले। हाँ? और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पे खड़ी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने उससे कहा, हाँ? वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। 17वां, वसंत ऋतु पूरे होने पर तू एक बेटा अपने छाती पर लगाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि शनूमी स्त्री ने प्रार्थना में जो मांगा उसके अनुसार उसने काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो मांग रहे हैं हमारा परमेश्वर एक पल में दे सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बात के मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, तो आप ये समझते हैं कि हमने मांगा और हमें मिल जाएगा। लेकिन उस मांगने में बहुत जरूरी है कि आप का समर्पण और आप का जो विश्वास है वो कितना है। इसलिए मरकुस 11:24 कहता है कि मांगने से पहले धन्यवाद करो, क्योंकि जो आपने मांगा है वो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है, पहले ही दे दिया उसने। यिर्मयाह नबी किताब में पहले का 5वां क्या कहता है कि तेरे जन्म लेने से पहले मैंने तुझ पर मन लगाया है, तुझे जन्म देने से पहले मैंने तुझ पर अपना मन लगाया है, मैंने अपना चित्त लगाया है। आपको पता है आपको धरती पर लाने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई है कि वो आपसे क्या काम कराएगा।
आप जो इस समय चल रहे हैं ना, वो परमेश्वर की योजना है। लेकिन आप दुख क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आप उस आशीष को खो रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। अगर आप दुख उठा रहे हैं, अगर आप मुसीबतों में हैं, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार आप जीवन नहीं बिता रहे। उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा हुआ है कि आओ हम इन्हें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचें और इन्हें बनाए ताकि ये धरती पर अधिकार कर लें। प्रेज द लॉर्ड। आदम को रचने से पहले उसने आदम के लिए काम चुन लिया। क्या लिखा है 1:26 में? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ मनुष्य को अपने स्वरूप में, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? ताकि वह पृथ्वी पर अधिकार रखे। रचने से पहले उसने योजना बना दी। आपको बनाने से पहले, आपको कलीसिया में लाने से पहले उसने आपके लिए योजना बनाई है। आदम को बनाने से पहले उसने बनाया कि ताकि वो धरती पर अधिकार रखे। फिर उत्पत्ति 1:28 में उसने आदम से कहा कि तू अधिकार रख, उसको बस में कर ले। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। इसलिए वो आपको, आपको जन्म लेने से पहले ही जानता है, आपके आने से पहले उसने योजना बना ली है। इसलिए आप उस वचन को, उस प्रॉमिस को, उस वादे को जो उसके मुख से निकलता है, उसको अपना बनाइए, तब वो आपके जीवन में पूरा होते हुए आपको दिखेगा, पूरा दिखेगा वो आपको। वो सब कुछ कर चुका है। बच्चे के आने से पहले उसका दूध उसकी मां की छाती में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मां घमंड कर सकती है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूं? नहीं, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। वो महान है, उसको हर चीज की खबर है। वो बस ये चाहता है कि जो मेरे मुख से निकला है उसको तुम अपना बना लो और उसके संग चलो। घर में मत रखो, जब काम पे जा रहे हो तब भी प्रभु का आशीष, तब भी परमेश्वर का वादा आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। उसका वादा आपके साथ हो कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने यहोशू से क्या कहा था? मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू 1:5-8, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या ये? यहोशू मूसा का शिष्य था, परमेश्वर ने उसे चुना कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और अगर आप यहोशू की बुक पढ़ेंगे ना, उसने इस वादे को अपना लिया कि कौन है मेरे साथ? परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और आप यहोशू की पुस्तक पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसने सूरज को रोक दिया। 45 मिनट सूरज रुका रहा, सूरज रुक जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, अपनी रोशनी देता रहे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे किया उसने? उससे पहले किया था किसी ने क्या? क्योंकि उसके पास वचन था, उसके पास प्रॉमिस था। मेरे परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे संग रहूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। इसका 8वां निकाली, 8 पढ़ू? हाँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। देखिए, सारे प्रॉमिसेस, सारे वादे परमेश्वर के आपके जीवन के लिए हैं, आपके लिए हैं। लेकिन वो क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक, ये पुस्तक। इसीलिए कलीसिया बनी मेरे भाई, इसीलिए परमेश्वर ने हम पास्टर्स को बोझ दिया ताकि ये वचन आपके जीवन में काम आए, ताकि ये वचन आप सुने और उनको अपना लें। इसलिए उसने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना निकलने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया कर। मेरे भाई, कभी भी परमेश्वर ने पूरी बाइबल में नहीं कहा है कि तू मेहनत कर, तू मेरे वचनों पे चल। हालेलुया।
दिन रात ये जो पुस्तक है इस पे मनन कर, इसके बारे में सोच, जो तुझे वचन दिया गया है उसको अपना ले। आपका जो अशांति है ना, वो कभी आपके मन में नहीं आएगी। वचन हर अशांति को दूर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मान लीजिए आपके पड़ोसन ने, आपकी सहेली ने आपका दिल दिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उसे माफ करिए। क्यों कहती है? ताकि आपकी शांति ना दूर हो, आपकी शांति रहे, इसलिए वो कहती है आपको माफ करो। उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा, आपके माफ करने से आपकी शांति बनी रहेगी, आपके अंदर नफरत नहीं आएगी, आप प्रभु से दूर नहीं होंगे। क्योंकि जहां आपने माफ घृणा की, जहां आपने नफरत की, आप परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, आपके अंदर से प्रेम निकल गया, इसलिए वो कहता है कि अगर तेरा पड़ोसी, तेरी बहन, तेरा भाई, तेरा पति तुझे कुछ भी कहता है, माफ कर। जैसे इसीलिए वो पत्रस से बोलता है 7 के 77 बार माफ कर, दिन में अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पास्टर को, किसी को भी माफ कर, ताकि तेरे अंदर प्रेम बना रहे। हेलो, प्रेम बना रहे। इसलिए वो कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना निकलने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया कर, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचनों पर ध्यान देने से, वचनों पर चलने से, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को अपना बनाने से तू सफल होगा। कहीं नहीं लिखा है तू मेहनत करेगा तो होगा। हां, जो आपको काम मिला है आपको ईमानदारी से करना है, लेकिन उस काम में आपकी सहायता कौन करेगा? परमेश्वर का वादा, उसका प्रॉमिस, उसका वचन। आप अपनी गृहस्थी को अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार निभाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी गृहस्थी में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वचन के अनुसार चलिए, वचन के अनुसार चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका पति क्रोध करता है, चुप हो जाइए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि पति पत्नी की संगति क्या होनी चाहिए। अगर पत्नी विश्वासी है और पति को क्रोध आता है तो पत्नी को चुप होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। अगर आप उकसाएंगी तो वो क्रोध पाप में बदल जाएगा। तो आपको अपने पारिवारिक जो जीवन है वो आपके हाथ में है, आप किस तरीके से उसको लेके चलेंगी और परमेश्वर का आशीष पाएंगी। क्योंकि वचन ही है जो आपको, प्रॉमिस ही है जो आपको जीवन दे रहा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। रूथ एक ऐसी स्त्री थी जो मोआब देश में रहती थी। मोआब देश एक अशुद्ध जातियों का देश था, जहां अशुद्ध, जिसे अशुद्ध जाति कहते थे। क्यों? क्योंकि मोआब जो नाम पड़ा है वो लूत और उसकी बड़ी बेटी के संबंध से पैदा हुआ था लड़का, उस लड़के का नाम मोआब रखा गया था। लूत कौन था? इब्राहिम का भतीजा। जब सदोम अमोरा का नाश किया तो लूत अपने बच्चों को लेकर निकला वहां से, और एक चट्टान पर उसने घर किया वहां पर। तो जो रूथ थी वो अशुद्ध जाति में थी, उसकी प्रार्थना थी कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, मैं परमेश्वर को पाऊं, मैं परमेश्वर के करीब जाऊं, उसकी प्रार्थना थी। जैसे ही नियोमी बैतलहम छोड़कर मोआब आई और नियोमी ने अपने बच्चे की शादी, अपने लड़के की शादी रूथ से की, और हुआ क्या कि वो लड़का मर गया, उसका पति मर गया, लेकिन उसके अंदर क्या था? परमेश्वर को पाना। उसकी प्रार्थना क्या थी? कि मैं परमेश्वर को पाऊं, मैं परमेश्वर के करीब जाऊं। नियोमी ने कहा कि जा, तू आजाद है, अब मैं बैतलहम वापस जा रही हूं, तू आजाद है, हालेलुया,
वो क्या कहती है, रूत 1:16, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी यही तो प्रार्थना थी कि मैं परमेश्वर के करीब आऊं। प्रेज द लॉर्ड। उसे अपने पति के जाने का दुख नहीं था, उसे था मैं पिता को कैसे प्राप्त करूं, मैं यीशु को कैसे प्राप्त करूं, मैं परमेश्वर इस अशुद्ध जाति से निकलकर परमेश्वर की शुद्धता में कैसे आ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मेरी बहन मेरे भाई हमारी ये धारणा होगी, जिस दिन मेरे भाई मेरी प्रार्थना आपकी ये प्रार्थना होगी कि मैं पवित्र रहूं, परमेश्वर के लिए पवित्र रहूं, इस संसार से निकलकर परमेश्वर में आ जाऊं, परमेश्वर के चरणों में रहूं, उसकी पवित्रता में सामर्थ्य पाऊं, हालेलुया, हम सबकी ये प्रार्थना है। लेकिन हम संसार से निकल ही नहीं पाते। रूथ की ये प्रार्थना था कि मैं परमेश्वर के चरणों में रहूं, इसलिए नोमी ने उसे आजाद किया। लेकिन वो क्या कहती है, 1:16, रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मुझे मेरा कुछ नहीं चाहिए अतीत, मैं अपना कुछ लेके आना नहीं चाहती हूं, क्योंकि तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू बैतलम में रहती है, तू परमेश्वर के घर में रहती है, मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए। हेलो, यही है कि हम जाने कि हमें क्या चाहिए, निर्णय हमें लेना है, चुनाव हमें करना है, हमें क्या चाहिए। इस समय रूथ के पास वो घड़ी थी कि उसके पास सामने था चुनाव, या इधर या उधर, अशुद्धता या शुद्धता। वो उसने अपने आप को पूरा दीन बना लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप को शून्य करती हूं, ना मुझे मेरा अहम चाहिए, ना खुशियां चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे तेरा चाहिए, क्योंकि तेरे पास प्रभु है, क्योंकि तेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। उसने प्रार्थना की थी, और जो प्रार्थना की थी उसके मुताबिक उसने जीवन जिया, उस प्रार्थना के मुताबिक उसने जीवन जिया। और जब वो बैतलहम में आई, उसकी शादी बोआज से हुई। देखिए, एक अशुद्ध जाति की लड़की को परमेश्वर ने क्या बना दिया। रूथ की शादी बोआज से हुई, रूथ और बोआज से पैदा हुआ ओबेद, ओबेद से पैदा हुआ ईशे, ईशे से पैदा हुआ दाऊद, और दाऊद के वंश से यीशु आया। हालेलुया। इसका मतलब रूथ यीशु के परदादी थी। रूथ कौन बनी, यीशु के वंश की। कहां थी वो, मुआब में थी, अशुद्ध वंश में थी, शुद्ध वंश में कैसे आई, उसकी प्रार्थना थी कि मैं शुद्धता में रहना चाहती हूं, मेरे ऊपर जो लेवल है अशुद्धता का वो निकालना चाहती हूं। लेकिन उसने उसके लिए अपना सब कुछ शून्य कर दिया, मुझे मेरा कुछ नहीं चाहिए। मुआब में होंगे उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, बहुत से जानने वाले होंगे, खेती बाड़ी होगी, पैसा होगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तेरा परमेश्वर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब वो बैतलहम में आई, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप मांगिए और उसके अनुसार काम करिए, आप मांगिए और उसके अनुसार काम करिए। उसके अनुसार काम करिए, आपके काम में इशू दिखना चाहिए। एक भाई हमारे कलीसिया में आते थे, उन्होंने मुझसे प्रार्थना करवाई, उनका उस काम नहीं था, वो ड्राइवर का काम करते थे, अच्छा मिला काम, 19,000-20,000 रुपए का ड्राइवरी का काम मिल गया। फिर 15 दिन के बाद वो काम उनसे हाथ के निकल गया। आए मेरे पास,
मैंने क्या हुआ? कहते क्या पास्टर वो काम निकल गया। मैंने क्यों क्या हुआ, कैसे काम निकल गया? कहते नहीं वो उनके यहाँ कोई, जहाँ मैं काम करता हूँ उनके कोई गेस्ट आ गए थे, और जब वो गेस्ट आए तो उन्होंने कहा कि वो सामान उठाओ और डिक्की में रखो और सामान को गाड़ी में रखो। तो मैंने कहा मैं ड्राइवर हूँ, ये तो मेरा काम है नहीं, तो मैंने नहीं रखा। तो उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने कहा आप मसीह हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मसीह हैं, बाइबल क्या कहती है, कोई अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए बोले तो उसके संग 2 किलोमीटर चलो, कोई अगर आपको 1 गिलास पानी पिलाए तो उसका धन्यवाद दो, उसके लिए आशीष मांगो कि इस भाई ने मुझे, जो आपको पैसे दे रहा है 18-19 हजार रुपये महीना दे रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये भाई जो मुझे दे रहा है अद्भुत आशीष दे इसके घर में, अद्भुत बरकत ला इसके घर में, क्योंकि ये मुझे दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है दूसरों की मदद करो, और आपने किसी का सामान उठाने के लिए मना कर दिया, कैसे आपको आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा ना आपको आशीष, क्योंकि आप में यीशु नहीं दिख रहा है। आप में कौन आ गया? अहम, ईगो, क्या मुझे 19,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं? नहीं मेरे भाई, आपको दीन बनना है, आपका सुख आपके हाथ में है। इसलिए जहां कहीं भी जाएं, आप ये सोचिए कि आपके अंदर यीशु दिखे, वो दीनता दिखे, चाहे कोई भी रिश्ता हो मेरी बहन, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को आपको निभाना है, उस रिश्ते में यीशु दिखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि उसकी तरफ से नहीं दिखता है, आपकी तरफ से दिखे। प्रेज द लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। आपके दोस्त की तरफ से नहीं दिख रहा है, आपके पति की तरफ से नहीं दिख रहा है, आपकी पत्नी की तरफ से नहीं दिख रही, नो प्रॉब्लम। आपकी तरफ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा है, प्रार्थना आपकी है, प्रार्थना आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको देखना है कि मेरे कार्य में, मेरे जीवन में यीशु दिखे, उसका प्रॉमिस दिखे। जिस दिन वो प्रॉमिस यीशु का आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, जिस दिन वो वचन आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन अद्भुत तरीके से बदल जाएगा, अद्भुत तरीके से, क्योंकि आपके मांगने से पहले वो आपको दे चुका है। आपको कुछ भी चाहिए, आप उसके अनुसार काम करिए, आपको ऐसे मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास से मांगिए और परमेश्वर के मुख से निकले वचन को अपना लीजिए, वो आपका है, वो आपका रहेगा, और आपसे उसे कोई नहीं छीन सकता है। बाइबल लिखा हुआ है रोमियो 8:38-39, विश्वास करिए वो वचन आपका है और आपसे उसे कोई नहीं छीन सकता है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं। मरती अब मैं रोमियो 8:38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, 39, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हमें कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए उसका प्रॉमिस, उसके मुख से निकला हुआ वचन आपका है, वो वचन काम करेगा। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? प्रभु। आप उस प्रॉमिस को अपना लीजिए, आपके जीवन की लड़ाई, आपके काम की लड़ाई प्रभु लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो उस प्रॉमिस को लेके जीने की जरूरत है। जो कहता है परमेश्वर करिए, उस प्रॉमिस के साथ जीने जीना शुरू कर दीजिए, अद्भुत आशीषें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ये बाइबल कहती है और मेरा विश्वास है। हालेलुया, वचन हमने ग्रहण किया आज का। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की।